आपको मिलवाते हैं मिस्टर गगन खन्ना से और उनकी कुछ विचारधाराओं से। गगन जी, आज हम आपसे मिले, हमें बड़ा अच्छा लगा। आज आपकी बिटिया लॉन टेनिस खेल रही है और शी इज़ प्रैक्टिसिंग एवरी डे, राइट? सो आपके क्या कंसेप्ट है? हमारी आपसे बात हो रही थी, आपकी बच्ची कौन से स्कूल में पढ़ती है, सो क्या है आपके स्कूल के लिए आपके विचार, बच्ची को आपने किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं इस बच्ची को? तो देखिए, जब टेनिस बिगनिंग हुई थी इसकी तो ये 6 साल की थी, तब से मैं इसे खिला रहा हूँ और मुझे कोच अच्छे मिले हुए थे कि तुषार सर वहाँ आते थे शाहजहाँपुर, इस बच्ची को करते थे, फिर सौरभ सर का बड़ा मुझे सहयोग मिला जी। धीरे धीरे खेलते खेलते इसमें खुद रुचि आने लगी जी जी जी, और फिर ये खुद खेलते खेलते ये इतना अच्छा हो गया। पहले मैंने इसे फोर्स किया कि टेनिस खेल, और चूँकि स्कूलिंग में आज के टाइम में स्कूलिंग सिर्फ प्रोफेशनली पैसा कमाना ही रह गया है जी जी, हमारा स्कूल हमें इसे बहुत सपोर्ट करता है, स्पोर्ट्स कोटे में इसका एडमिशन किया, वेरी गुड, और रेगुलर ये छूट दी कि आप खेलो, और ये पूरे स्कूल में सेकंड या थर्ड आती है पूरे। अच्छा, सेकंड और थर्ड बगैर स्कूल जाए कैसे आ सकती है, मुझे ये बताइए। सर, इसका घर में हम इसको जो है ट्यूशन उपलब्ध कराते हैं, प्लस मैं भी बैठ के खुद माँ बाप को देखना होता है बच्चा। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो बगैर स्कूल भेजे घर पे ही आप उसको पढ़ा के, आप उसको सेकंड रैंक में या थर्ड रैंक में स्टैंड करती है ये स्कूल में, सो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। और एज फार एज स्टडीज़ आर कंसर्न, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको फिजिक्स कम समझ में आती है या बायोलॉजी कम, या उसकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट्स इसके हैं मैथ्स, उसको कम समझ में आते हैं या बिल्कुल वो उनसे अनभिज्ञ है या वो नहीं जान पाती कि क्या फॉर्मूलेज हैं, कैसे मैथ्स होती है। सर, तो उसके लिए जैसे मैं हेल्प करता हूँ इसे मैथ में, पेरेंट्स हेल्प करें बच्चों को जी, और क्योंकि हर पेरेंट्स जो भी अच्छे पेरेंट्स एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो इतना तो कर ही लेते हैं, क्योंकि जो शुरुआत की स्टडीज होती है जी जी, बच्चों को जैसी आप बचपन से आदत डालोगे जी 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 वैसे ही हो जाएंगे। इवन बुक्स में सारी हेल्प होती है, अगर पूरा इक्वेशन एग्जांपल पढ़ पढ़ के भी आप जी, सारे जी। सेम वैसी एक्सरसाइजेज होती हैं, वेरी गुड। तो ये फर्स्ट डे जब बुक लाती है तभी ये रीडिंग शुरू कर देती है जी, और उसको थ्रू आउट रीडिंग 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 से ही ये सारे क्वेश्चंस और आंसर उसी में सब छुपा होता है, उसी में सब ये समझ के अपने आप लिख के आती है। वेरी गुड सर, ये एक आई ओपनर है हमारे लिए और सारे उन पेरेंट्स के लिए जो जिनके बच्चों में कुछ अलग इंटेलिजेंस है, अलग काबिलियत है, उनको उनके मुकाम तक पहुंचाने की। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि बुक्स में एग्जांपल दे रखे होते हैं, उसी में सब कुछ छुपा होता है, सिर्फ हमें फोकस करना है अपने बच्चे की पढ़ाई के ऊपर। स्कूल का जो कंसेप्ट है पिछले कई वर्षों से चल रहा है एक रैट रेस की तरह, कि सब लोग स्कूल भेज रहे हैं तो हमें भी भेजना है। मैं बच्चों में टैलेंट डेवलप करने में और प्रैक्टिकल नॉलेज देने में ज़्यादा वो हूँ, जबकि मैं बैंक जाता हूँ तो मेरा बच्चा मेरे साथ जाता है जी जी, उसको पैसा जमा करना, पैसा निकालना, एटीएम चलाना जी, जी, ये सारी चीज़ें उसको धीरे धीरे अभी से ही मैं सिखा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं करता हूँ वो उसको अपने साथ रख कर करता हूँ। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। स्पोर्ट्समैन जो है वो कभी भी निराश नहीं होता, उसको हारना और जीतना अच्छे से आता है, वो जब हार जाता है लाइफ में भी तो भी उसको पता है कि उसको सक्सेस मिल जाएगी आगे जब वो कोशिश करेगा जी। सो क्या आप इस बच्ची को सोचते हैं कि किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं लॉन टेनिस में? मैं तो इसे वर्ल्ड नंबर वन बनाना चाहता हूँ। वर्ल्ड नंबर, बिल्कुल, वेरी गुड। कोई काम नहीं है जो हम सोचे और कर ना पाए। क्या नाम है आपकी बच्ची का? माइका खन्ना। वेरी गुड माइका, कैन यू प्लीज कम, कैन यू होल्ड फॉर ए सेकेंड, कैन यू प्लीज कम बेटा। सो लेट अस हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट माइका खन्ना। माइका, so what is your objective, what is your aim of life? To become a tennis player. To become a tennis player. You would like to represent India? Yeah, sure. Very good. So we wish a great success ahead in future, right? We wish that you should play Wimbledon, you should represent India in Wimbledon, US Open and win the trophy, right? God bless you. Saurabh sir, main ye chahta hu ki mujhe ye bataiye ki kaise aap yahan par bachchon ko groom kar rahe hain? Abhi sir ki bitiya se baat ho rahi thi, sir se baat ho rahi thi, inke vichar jankar mujhe badi acha laga. Aap kaise groom kar rahe hain, kya aapke objectives hain in bachchon ko lekar jo yahan par khelne aate hain? Dekhiye, ab mera kaam to hai inko taiyar karna. Ab dekhiye, ab मेरा तो 50% है, 50% बच्चों का है। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं अगर लग रहा हूँ तो लगना इन्हें भी है जी, जी, समझना जी। पड़ेगा कि अगर इन्हें करना है आगे जी, तो मेरा साथ बराबर देना पड़ेगा जी जी। वेरी गुड, तो खुद चाहता हूँ यहाँ रिप्रेजेंट करें बरेली। आप, आपका नाम क्या है बेटा? सैयम। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 4th क्लास में हूँ। कौन से स्कूल में हो? जिंगल बेल्स। जिंगल बेल्स में हो, तो टेनिस प्लेयर बनना चाहते हो?
वेरी गुड ग्रेट। सो सर फिर आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई हर्डल्स क्या आती हैं आपको यहाँ पर बच्चों को ट्रेन करने में, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम तो है इनका कंटिन्यू ना होना। ओके पर डे से पर डे एक कुछ ना कुछ बच्चा सीखता है अगर वो प्रैक्टिस करे तो। हाँ जी हाँ जी, हर दिन कुछ ना कुछ होता है। दूसरी बात प्लस इनकी फिटनेस करने की, जी जी, अगर मैं लगता हूँ तो ये उतना नहीं लगते। जी जी, तो इन्हें समझना पड़ेगा बिना फिटनेस के कोई स्पोर्ट्स नहीं। इनफैक्ट पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, इसको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इनका इनका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, खाने जी का, सोने का, जी जी, और खेलने का। जी जी जी, बेसिक सब यही है। अगर हम दिन भर पढ़ाई कराते, मतलब जो साल भर की पढ़ाई है, साल भर बच्चा पढ़ता है जी, तो एक घंटा तो दे ही सकता है अपने गेम को, भले एग्जाम टाइम क्यों ना हो। जी जी जी, पेरेंट्स ये नहीं समझते। जी जी, अगर बच्चा साल भर की पढ़ाई एक दिन में, ऐसे होता है ना 15 दिन का गैप करा देते कि एग्जाम्स हैं, जी जी, साल भर क्या किया बच्चे ने? जी जी, जरूरत एग्जैक्टली 15 दिन, मतलब एग्जाम शुड बी वेरी वेरी इजी कंफर्टेबल, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत इशू रहता है कि बच्चा रेगुलर नहीं रहता। जी, रेगुलरिटी में जो भी काम किया जाए उसका 100% उसका रिजल्ट अच्छा ही है। जी जी, आप देख लो किसी भी चीज में जो दिन रात मेहनत करते हैं उनको कभी भी दिक्कत नहीं होती। एक बहुत बड़ी कहावत है, कहावत नहीं, हमारे लाइफ में लाइव एग्जाम्पल है कि यदि एक बूंद अगर पड़ती है किसी शिवलिंग के ऊपर तो वो 3000वीं बूंद होती है, उस पत्थर को तोड़ देती है, उस बूंद में इतनी ताकत होती है। तो ये अगर हम इस कंसेप्ट को समझ पाएँ और किसी अपने देश में ही अगर हम देखें तो मात्र हमारे शायद ओलंपिक्स में 2 ही मेडल आ पाए, जबकि ये देश ऐसा है जो 200 मेडल लाने की काबिलियत रखता है।